आज हमारे साथ हैं हमारे बेहद खास मेहमान रघुबीर यादव जी। सर, रंगमंच, टीवी और फिल्में आपने तीनों ही की हैं, तो आपके करीब कौन सा है? थिएटर, रंगमंच। जी बिल्कुल। तो इससे दोबारा जुड़ने की तमन्ना आपकी? हाँ, अभी मैंने एक प्ले किया है पियानो, और जी तो बस वही दोबारा से वो कीड़ा काटना फिर शुरू हुआ, तो मैंने अभी फिर शुरू किया है, देखते हैं कितना कर पाता हूँ मैं। सर, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? सबसे बड़ा मोड़ तो वही था जो मैं घर से भाग के आए, सबसे बड़ा मोड़ तो वही था, हिम्मत करके मैंने डिसीजन लिया और बस आ गया। सर, वो भी एक दौर था जब आपने शुरुआत की थी, आप घर से भागे थे, आपको तमाम ताने मिले होंगे, लोगों ने सुनाया होगा, तो आज आप कैसा फील करते हैं उन्हीं लोगों के रिएक्शन देख के? देखिए, बनने से पहले टूटता ज़रूर है, पहले बहुत सारी चीज़ें टूटी, उसके बाद कुछ बना, अभी बन गया है तो सब लोग वही लोग जो कहा करते थे कि आवारा है और ये है, पता नहीं क्या करेगा, जेब कतरा बनेगा, डाकू बनेगा, क्या बनेगा, क्या करेगा, अभी वो कहते हैं देखो हमने कहा था ना कि कुछ कुछ करके आएगा, ज़रूर लौट के आएगा, तो कुछ करके ही लौटेगा। सर, ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई ऐसे दौर आए होंगे, कई ऐसे मौके आए होंगे, कोई ऐसा मौका आया जब आपको लगा कि आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया है, किसी चीज़ पे अफसोस? है, वक्त आया और मैं छोड़ के चला गया था, बम्बई छोड़ के चला गया था, 2-2.5 साल फिर जबलपुर चला गया और वहीं रहने लग गया था। लेकिन मैंने हमेशा इस तरह के तकलीफ़ों से और इस तरह के जो मोड़ ज़िंदगी में आए उनसे मैंने हमेशा सीखा है। फर्स्ट क्रश आपका कौन सा था? आपने बहुत सारे हीरोइनों के साथ काम किया है, आप इतने लंबे समय से हैं तो। ये मैं बताऊं, मैं जब पारसी थिएटर में था तो एक बकरी चराती थी एक लड़की, उससे मेरा पहला इश्क था कि वो बकरी चराए तो एक गाना गाया करती, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और बकरियां चराया करती थी, हम नदी की इस तरफ, हमारी नाटक कंपनी लगी हुई थी, वो नदी की उस तरफ गाना गाया करती थी, और वहीं के वहीं फिर हमारी नाटक कंपनी वहाँ से निकल गई और मैं वहीं के वहीं रह गया, लेकिन उसको कभी नहीं भूल सकता। अकेले होते हैं तो आप क्या करते हैं अब जब आप एक्टिंग मैं, नहीं कर रहे? जी, अकेला होता हूँ तो मैं, किताबें बहुत सारी हैं मेरी और म्यूज़िक है मेरे पास बहुत सारा, मेरे पास बहुत सारी फ्लूट रखी हुई हैं, मैं फ्लूट बनाता भी हूँ और बजाने की कोशिश भी करता रहता हूँ, और मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ शूटिंग में तो बांस ले आता हूँ वहाँ से, और बैम्बूज ले आता हूँ, पहले बैम्बूज नहीं, जब मैंने बनाना शुरू किया तभी 2-3 साल से ये शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं पीवीसी पाइप लेके आता, उससे मैं फ्लूट मैंने बनाए, मैं अभी कहिए तो मैं दिखा दूँगा आपको, ये वहाँ जो ईरान के जो चरवाहे होते हैं वो बजाते हैं, उनका उनके है, तो ये मैंने, ये भी मैं घर पे ही बनाए। ये तो सीक्रेट है लगता है आपका। नहीं, ये अभी शुरू किया, कुछ मुझे 1-2 साल हो गए तब से ये शौक। संगीत वादनों से इतना प्यार, ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं? म्यूज़िक, म्यूज़िक, बुक्स, किताबें और अपने आप को। और ऐसी कौन सी चीज़ जिसे करते आप थकते नहीं म्यूज़िक के अलावा? थकते नहीं हैं, काम करते हुए कभी नहीं थकता, कभी नहीं थकता मैं, आप मुझे 24 घंटे और 48 घंटे, क्योंकि हमको एनएसडी में ट्रेनिंग इसी तरह की, हम 24 घंटे में ज़्यादा 2 घंटे सोने मिलता था, बाकी हम इस तरह से, हमारे जो डायरेक्टर थे उन दिनों इब्राहिम अलकाजी, उन्होंने ऐसी आदत डाल दी है कि बस लगता है कि काम ही करते रहिए, काम करते करते मर जाइए, कोई आराम की कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़िंदगी में। तो ये थे रघुबीर यादव जी, जिनके बारे में हमने सुना, जाना, समझा और सीखा। अगली बार मिलते हैं एक और शख्सियत के साथ और जानते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।